सी आई टी एन द्वारा प्रस्तुत है कक्षा आठ की गणित की पाठ्यपुस्तक का ध्वनि पाठ ये है अध्याय तीन चतुर्भुजों को समझना तीन दशमलव चार दशमलव दो पतंग पतंग विशिष्ट प्रकार का एक चतुर्भुज है प्रत्येक आकृति में एक जैसे चिन्ह बराबर भुजाओं को दर्शाते हैं उदाहरणार्थ ए बी बराबर है डी और सी बराबर है सी डी यहां पर कुछ आकृतियां बनी हैं ये पतंग हैं इसके बाद कुछ आकृतियां बनी हैं ये पतंग नहीं है इन आकृतियों का अध्ययन कीजिए और यह बताने का प्रयास कीजिए कि की पतंग क्या है निरीक्षण कीजिए कि की एक एक पतंग में चार भुजाएं होती हैं यह एक चतुर्भुज है दो इसमें अलग अलग आसन्न भुजाओं के दो युग्म होते हैं जिनकी लंबाई बराबर होती है जांच कीजिए कि की क्या वर्ग एक पतंग है पृष्ठ संख्या पचास इन्हें कीजिए एक मोटे कागज की शीट लीजिए इसे दोहरा मोड़िए दो अलग अलग लंबाई वाले रेखाखंडों को खींचिए, जैसा कि आकृति तीन दशमलव एक दो में दर्शाया गया है इन रेखाखंडों के अनुदेश काटकर खोलिए आपको एक पतंग की आकृति प्राप्त होती है आकृति तीन दशमलव एक तीन पर गौर कीजिए आकृति तीन दशमलव एक दो यहां पर हमने कागज को वैसे मोड़ा है जैसे बताया गया है दिखाइए कि त्रिकोण ए बी सी एवं ए डी सी हैं इससे आप क्या निष्कर्ष निकालते हैं आकृति तीन दशमलव एक तीन यह एक पतंग ए बी सी डी है सी को एक बिंदुओं वाली रेखा से जोड़ा गया है क्या पतंग में कोई सम रेखा है पतंग को दोनों विकर्णों पर मोड़िए सेट स्क्वेयर के उपयोग से जांचिए कि वे एक दूसरे को समकोण पर काटते हैं क्या विकर्ण बराबर लंबाई के हैं जांचिए पेपर को मोड़ने या मापने द्वारा कि क्या विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं पतंग के एक कोण को एक विकर्ण के अनुदिश विपरीत मोड़ने पर बराबर माप वाले कोणों को जांचिए। विकर्ण पर पड़ी तह का निरीक्षण कीजिए क्या यह दर्शाता है कि विकर्ण एक कोण समद्विभाजिक होता है अपनी जानकारी को साथियों में बांटिए और उनकी सूची बनाइए इन परिणामों का सारांश अध्याय में कहीं पर आपके लिए दिया गया है तीन दशमलव चार दशमलव तीन समांतर चतुर्भुज एक चतुर्भुज ही है जैसा कि नाम संकेत करता है इसका संबंध समांतर रेखाओं से है यहां पर कुछ आकृतियां बनी हैं ये समांतर चतुर्भुज हैं ए बी सी डी जिसमें ए बी और डी सी समांतर हैं डी और बी सी समांतर हैं इसी तरह पी क्यू आर एस में क्यू पी और एस आर समांतर हैं क्यू एस और पी आर समांतर हैं वर्ग एल एम एन ओ में एल एम और ओ एन समांतर हैं एल ओ और एम एन समांतर हैं इसके बाद कुछ आकृतियां बनी हैं ये समांतर चतुर्भुज नहीं है ए बी सी डी में ए बी और सी डी समांतर हैं A, B, C, D, e, F में ए बी और ईडी e, समांतर हैं बी सी और एफई e समांतर हैं इन आकृतियों का अध्ययन कीजिए और अपने शब्दों में बताने का प्रयास कीजिए कि की समांतर चतुर्भुज क्या है अपने निष्कर्ष अपने मित्रों के साथ बांटिए जांच कीजिए कि की क्या आयत एक समांतर चतुर्भुज है पृष्ठ संख्या इक्यावन इन्हें कीजिए दो अलग अलग चौड़ाई वाली गत्ते की आयताकार पट्टियां लीजिए आकृति तीन दशमलव एक चार यहां पर दो पट्टियां हैं पट्टी एक और पट्टी दो एक गत्ते की पट्टी को समतल पर रखिए और इसके किनारों के अनुदेश रेखाएं खींचिए जैसा कि आकृति में दर्शाया गया है आकृति तीन दशमलव पांच एक आकृति तीन दशमलव पांच एक में ऐसी ही रेखाएं खींची गई हैं अब दूसरी पट्टी को खींची गई रेखाओं के ऊपर तिरछी दिशा में रखिए और इसका उपयोग करते हुए दो और रेखाओं को खींचिए जैसा कि आकृति में दर्शाया गया है आकृति तीन दशमलव एक छे। यहां पर ऐसे ही दो और रेखाएं खींच दी गई हैं इन चार रेखाओं से बनी बंद आकृति चतुर्भुज है आकृति तीन दशमलव एक सात आकृति तीन दशमलव एक सात में हमें एक चतुर्भुज प्राप्त हुआ है यह समांतर रेखाओं के दो युग्मों से मिलकर बनी है यह एक समांतर चतुर्भुज है समांतर चतुर्भुज एक चतुर्भुज होता है जिसकी सम्मुख भुजाएं समांतर होती हैं तीन दशमलव चार दशमलव चार समांतर चतुर्भुज के अवयव एक समांतर चतुर्भुज में चार भुजाएं और चार कोण होते हैं इनमें से कुछ बराबर माप के होते हैं आपको इन अवयवों से संबंधित कुछ तथ्यों को याद रखने की आवश्यकता है एक समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी दिया गया है आकृति तीन दशमलव एक आठ आकृति तीन दशमलव एक आठ में एक चतुर्भुज एबीसीडी बना है ए बी और डी सी इसकी सम्मुख भुजाएं हैं ए डी तथा बी सी सम्मुख भुजाओं का दूसरा युग्म बनाते हैं कोण ए और कोण सी सम्मुख कोणों का एक युग्म है और इसी प्रकार कोण बी तथा कोण बी सम्मुख कोणों का एक दूसरा युग्म है ए बी और बी सी समांतर चतुर्भुज की आसन्न भुजाएं हैं अर्थात जहां पर एक भुजा समाप्त होती है वहीं से दूसरी भुजा प्रारंभ होती है क्या बी और सी भी आसन्न भुजाएं हैं दो और आसन्न भुजाओं के युग्मों को ढूंढने का प्रयास कीजिए कोण ए और कोण बी समांतर चतुर्भुज के आसन्न कोण हैं दोनों ही कोण उभयनिष्ठ भुजा के अंत बिंदुओं पर बने हैं कोण बी तथा कोण सी भी आसन्न कोण हैं समांतर चतुर्भुज के आसन्न कोणों के दूसरे युग्मों की पहचान कीजिए पृष्ठ संख्या बावन इन्हें कीजिए दो समांतर चतुर्भुज के कटे हुए भाग एबीसीडी तथा ए डैश बी डैश सी डैश डी डैश लीजिए आकृति तीन दशमलव एक नौ आकृति तीन दशमलव एक नौ यहां पर दो चतुर्भुज हैं ए बी सी डी और ए डैश बी डैश सी डैश डी डैश यहां पर भुजा ए बी भुजा ए डैश बी डैश के समान हैं परंतु इनके नाम अलग अलग हैं इसी प्रकार दूसरी संगत भुजाएं भी समान हैं डैश बी डैश को डीसी के ऊपर रखिए क्या वे एक दूसरे को पूर्णतया ढकती हैं अब आप ए-बी तथा डीसी की लंबाई के बारे में क्या कह सकते हैं इसी प्रकार ए डी तथा बी-सी की लंबाई की जांच कीजिए आप क्या पाते हैं आप ए-बी तथा डी-सी को मापकर इस परिणाम पर पहुंच सकते हैं गुण समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं बराबर माप की होती हैं प्रयास कीजिए 30 डिग्री 60 डिग्री 90 डिग्री कोणों वाले दो समान सेट स्क्वेयर लीजिए अब इन्हें आपस में इस प्रकार मिलाकर रखिए जिससे एक समांतर चतुर्भुज बन जाए आकृति तीन दशमलव दो शून्य पर गौर कीजिए आकृति तीन दशमलव दो शून्य यहां पर ऐसा ही एक चतुर्भुज बना है दो सेट स्क्वेयर्स की सहायता से क्या यह ऊपर बताए गए गुण की पुष्टि करने में आपकी सहायता करता है आप तर्क वितर्क के द्वारा इस अवधारणा को प्रभावी बना सकते हैं एक समांतर चतुर्भुज एबीसीडी पर विचार कीजिए आकृति तीन दशमलव दो एक पर गौर कीजिए आकृति तीन दशमलव दो एक यहां पर एक चतुर्भुज ए, सी, डी बना है ए और सी को बिंदुओं वाली रेखा से जोड़ा गया है कोण ए को दो कोणों में बांटा गया है एक और चार कोण सी को दो कोणों में बांटा गया है दो और तीन एक विकर्ण ए सी खींचिए हम समझते हैं कि कोण एक बराबर है कोण दो और कोण तीन बराबर है कोण चार क्यों क्योंकि त्रिभुज ए बी सी और एडीसी में कोण एक बराबर है कोण दो कोण तीन बराबर है कोण चार और एसी उभयनिष्ठ है इसलिए ए एस ए सर्वांग समता कसौटी द्वारा त्रिकोण ए बी सी और त्रिकोण सी में सर्वांग समता है यहां ए एस ए कसौटी कैसे प्रयोग हुई अतः ए बी बराबर है डी सी और बी सी बराबर है AD। उदाहरण तीन समांतर चतुर्भुज पी क्यू आर एस का परिमाप ज्ञात कीजिए आकृति तीन दशमलव दो दो हल समांतर चतुर्भुज में सम्मुख भुजाएं बराबर लंबाई की होती हैं इसलिए पी क्यू बराबर है एस आर बराबर है बारह सेंटीमीटर और क्यू आर बराबर है PS बराबर है सात सेंटीमीटर पृष्ठ संख्या तिरपन अतः परिमाप बराबर है पी क्यू जमा क्यू आर जमा आर एस जमा एस पी बराबर है बारह सेंटीमीटर जमा सात सेंटीमीटर जमा बारह सेंटीमीटर जमा सात सेंटीमीटर बराबर है अड़तीस सेंटीमीटर आकृति तीन दशमलव दो दो यहां पर एक चतुर्भुज पी क्यू आर एस बना है जिसमें पी क्यू बराबर है बारह सेंटीमीटर और क्यू आर बराबर है सात सेंटीमीटर तीन दशमलव चार दशमलव पांच समांतर चतुर्भुज के कोण हमने समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाओं से संबंधित एक गुण का अध्ययन किया हम कोणों के बारे में क्या कह सकते हैं इन्हें कीजिए माना एबीसीडी एक समांतर चतुर्भुज है आकृति तीन दशमलव दो तीन पर गौर कीजिए ट्रेसिंग शीट पर इसकी प्रतिलिपि बनाइए इस प्रतिलिपि को ए डैश बी डैश सी डैश डी डैश से प्रदर्शित कीजिए ए डैश बी डैश सी डैश डी डैश को ए बी सी डी पर आच्छादित कीजिए दोनों चतुर्भुजों को आपस में मिलाकर उस बिंदु पर पिन लगाइए जहां पर उनके विकर्ण प्रतिच्छेद करते हों ट्रेसिंग शीट को 180 डिग्री घुमाइए समांतर चतुर्भुज अभी भी एक दूसरे को पूर्णतया ढक लेते हैं परंतु अब आप देखते हैं कि ए डैश पूर्ण रूप से सी पर और सी पूर्ण रूप से बी डैश पर आ जाता है इसी प्रकार बी डैश बिंदु डी पर जाता है और विलोम रूप से भी सत्य है आकृति तीन दशमलव दो तीन यहां पर एक के ऊपर एक दो चतुर्भुज बने हैं ये हैं एबीसीडी और ए डैश बी डैश सी डैश डी डैश बीच में ओ डैश नाम का एक बिंदु बना हुआ है क्या यह कोण ए तथा कोण सी के मापों के बारे में आपको कुछ बताता है कोण बी तथा डी के मापों के लिए जांच कीजिए अपने निष्कर्ष की चर्चा कीजिए गुण समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर माप के होते हैं प्रयास कीजिए तीस डिग्री साठ डिग्री नब्बे डिग्री कोणों वाले दो समान सेट स्क्वेयर लेकर पहले की तरह ही एक समांतर चतुर्भुज बनाइए क्या प्राप्त आकृति ऊपर बताए गए गुण की पुष्टि करने में आपकी सहायता करती है आप इस अवधारणा की तर्क वितर्क के द्वारा पुष्टि कर सकते हैं यदि ए और बी समांतर चतुर्भुज के विकर्ण हों आकृति तीन दशमलव दो चार पर गौर कीजिए तो आप देखेंगे कि कोण ए बराबर है कोण दो और कोण तीन बराबर है कोण चार क्यों आकृति तीन दशमलव दो चार यहां पर एक चतुर्भुज डी बना है विकर्णों की सहायता से कोण ए को दो हिस्सों में बांटा गया है कोण एक और कोण चार कोण सी को दो हिस्सों में बांटा गया है कोण दो और कोण तीन त्रिकोण एबीसी तथा त्रिकोण एडीसी का अलग अलग अध्ययन करने पर आप देखेंगे कि आकृति तीन दशमलव दो पांच एएसए सर्वांगसम कसौटी के द्वारा त्रिकोण एबीसी और त्रिकोण सी डी ए सर्वांगसम हैं आकृति तीन दशमलव दो पांच यहां पर दो त्रिकोण बने हैं त्रिकोण ए बी सी और त्रिकोण सी डी ए यह दर्शाता है कि कोण बी और कोण डी समान माप के हैं इस प्रकार आप प्राप्त करते हैं कि एम कोण ए बराबर है एम कोण सी पृष्ठ संख्या चौवन उदाहरण चार आकृति तीन दशमलव दो छ में BEST एक समांतर चतुर्भुज है एक्स वाई तथा जेड के मान ज्ञात कीजिए आकृति तीन दशमलव दो यहां पर BEST एक चतुर्भुज है कोण बी बराबर है सौ डिग्री कोण एस बराबर है एक्स कोण ई दो हिस्सों में बंटा हुआ है चतुर्भुज के अंदर कोण Z, चतुर्भुज के बाहर कोण Y. हल बिंदु S, बिंदु B के विपरीत है अतः X बराबर है 100 डिग्री सम्मुख कोण गुण Y बराबर है 100 डिग्री कोण X के संगत कोण का माप Z बराबर है 80 डिग्री क्योंकि कोण Y और कोण Z रैखिक युग्म बनाते हैं अब हम अपना ध्यान एक समांतर चतुर्भुज के आसन्न कोणों पर केंद्रित करते हैं समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी में आकृति तीन दशमलव दो सात कोण ए और कोण डी कोण हैं क्योंकि डी सी और ए बी समांतर हैं और डी ए एक तिरक रेखा है अतः दोनों कोण अंतः सम्मुख कोण हैं कोण ए और कोण बी भी कोण हैं क्या आप बता सकते हैं क्यों ए डी और बी सी समांतर हैं और बी ए एक तिरक रेखा है जो कोण ए तथा कोण बी को अंत सम्मुख कोण बनाती है आकृति से दो और संपूरक कोणों के युग्मों की पहचान कीजिए आकृति तीन दशमलव दो सात यहां पर एक चतुर्भुज ABCD बना है गुण समांतर चतुर्भुज के आसन्न कोण संपूरक होते हैं उदाहरण पांच समांतर चतुर्भुज आर आई एन जी में आकृति तीन दशमलव दो आठ यदि एम कोण आर बराबर है सत्तर डिग्री हो तो दूसरे सभी कोण ज्ञात कीजिए हल दिया है एम कोण आर बराबर है सत्तर डिग्री तब एम कोण एन बराबर है सत्तर डिग्री क्योंकि कोण आर तथा कोण आय कोण है एम कोण आय बराबर है 180 डिग्री घटा 70 डिग्री बराबर है 110 डिग्री और एम कोण जी बराबर है 110 डिग्री क्योंकि कोण जी कोण आई का कोण है अतः एम कोण आर बराबर है एम कोण एन बराबर है सत्तर डिग्री और एम कोण I बराबर है एम कोण जी बराबर है एक सौ दस डिग्री आकृति तीन दशमलव दो आठ यह एक समांतर चतुर्भुज आर आई एन जी है कोण आर बराबर है सत्तर डिग्री सोचिए चर्चा कीजिए और लिखिए एम कोण आर बराबर है एम कोण एन बराबर है सत्तर डिग्री दर्शाने के उपरांत क्या आप किसी अन्य विधि से एम कोण आय और एम कोण जी को ज्ञात कर सकते हैं अभी आप सुन रहे थे कक्षा आठ की गणित की ध्वनि पुस्तक का पाठ वाचन स्वर आकाश आहूजा तकनीकी समन्वयक बटलैंग लिंगडो तकनीकी सहायक मयंक कुमार निर्माण सहयोग रुचि शर्मा निर्देशन व निर्माण विमलेश चौधरी तथा प्रस्तुति सी आई ई टी एन सीईआरटी नई दिल्ली भारत